क्या? नहीं, क्योंकि मैं हर सेमिनार में अलग अलग तरह से बोल सकता हूँ, तो क्या कॉपी करूंगा मेरी, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए आपकी कॉपी वर्ल्ड में कोई कर नहीं सकता, कोलमार की कॉपी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, केरी की कॉपी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई हमारे बिजनेस की कॉपी कोई करने जाएगा वो फेल हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनी का विजन क्या है, क्योंकि जिसका विजन होता है वही आगे बढ़ता है, और जिसका विजन नहीं होगा वो कोई भी कंपनी हो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकती। हमारा विजन ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आने वाले दिनों में 1,00,000 प्रोडक्ट लाना। कितने प्रोडक्ट लाना है हमारा विजन? 1,00,000। 1,00,000, थोड़ा सोच के देखो। और 1,00,000 प्रोडक्ट बोले तो छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन कंपनी ऑलरेडी हैज डिजाइन, कंपनी ने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है कि हम 1,00,000 प्रोडक्ट कैसे लाएंगे, और हमारे जितने भी एटोमी के जो मेंबर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको कैसे अवेलेबल होंगे। तो आपको बहुत बड़ा मौका मिला है इतने प्रोडक्ट्स को लेने का। उसके बाद में इन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या रखा है, देखिए, एब्सोल्यूट क्वालिटी। प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे हमको? एब्सोल्यूट क्वालिटी के मिलेंगे, एब्सोल्यूट प्राइस में मिलेंगे, एब्सोल्यूट क्वांटिटी मिलेंगी, एब्सोल्यूट कंपनी रहेंगी, अच्छा माल आ रहा है हमारे साथ में, हंड्रेड परसेंट मनी बैक गारंटी, जीएस 0.। देखिए, अभी हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे एब्सोल्यूट क्वालिटी। एब्सोल्यूट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि इनसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट वर्ल्ड में कोई भी कंपनी नहीं बना सकती। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी। अभी हाई क्वालिटी के ऊपर भी और कौन सी क्वालिटी है? हाई क्वालिटी के ऊपर और कौन सी क्वालिटी है क्या कोई? नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट क्वालिटी, मतलब हमारे प्रोडक्ट जो भी आपके पास में आएंगे वो सबसे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज काम कर रही है, वो चाहे कितनी भी पुरानी कंपनी होंगी, कितनी भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी होंगी, लेकिन इनके प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर पाएगी। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट क्वालिटी। एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब ये होता है कि इनसे कम रेट में, अभी जो सर ने एक्सप्लेन किया कि भाई हमारा तो अलास्का ओमेगा है 180 सॉफ्टेल का, इतने रुपए में मिलता है, वो कोई भी कंपनी रहे, कितनी भी बड़ी कंपनी रहे, लेकिन इतने कम रेट में कभी वो दे नहीं सकती। दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग ऑल प्रोडक्ट इन लो प्राइस। लो प्राइस मीन्स सबसे कम कीमत में देते हैं और सबसे हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देते हैं। तो ये हो गया लो प्राइस में, मतलब वर्ल्ड की कोई भी कंपनी इनसे कम रेट में कोई भी प्रोडक्ट आपको दे नहीं सकती। जो आपको ऑफर कर रही है, कौन ऑफर कर रही है आपको? एटोमी। नेक्स्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट लेंगे आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। जैसे सर ने बताया कि भाई 60 सॉफ्ट जेल का जो डिब्बा आता है 2,500 के इसमें आता है, और हमारा वही 180 सॉफ्ट जेल का डिब्बा हार्डली 1400 से 1500 के बीच में जाएगा प्राइस लिस्ट आने के बाद में, तो कितना कम कीमत में हो गया। मतलब क्वांटिटी हमारी कैसी रहेगी हर प्रोडक्ट में? ज्यादा रहेंगी, कीमत कम रहेगी, क्वालिटी हाई रहेगी। अभी एब्सोल्यूट कंपनी क्यों है, व्हाई वी आर एब्सोल्यूट कंपनी इन द वर्ल्ड? क्योंकि हर कंपनी अपने आप को एब्सोल्यूट कंपनी नहीं बोल सकती, लेकिन हम क्यों बोलते हैं उसका रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी 60 साल का जो एक्सपीरियंस हुआ है एमएलएम इंडस्ट्री में, आज तक के किसी भी कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। किया है किसी कंपनी का? नहीं। ये दुनिया का एकमात्र प्लेटफॉर्म है कि गवर्नमेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी
एक आम जनता के लिए कमर्शलाइज की है। गवर्नमेंट ने अपनी टेक्नोलॉजी आम जनता के लिए कमर्शलाइज करके एक सिस्टम में आने वाला कोई यदि प्लेटफॉर्म होगा तो दैट इज ओनली एटोमी एंड दैट्स व्हाई वी आर द एब्सोल्यूट कंपनी। क्योंकि मार्केट में जितनी भी कंपनीज है वो सारी प्राइवेट बेस्ड में वर्क करती है, प्राइवेट बेस्ड उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, लेकिन एकमात्र ये है कि भाई इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है ये कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ कोरिया करता है। मान लीजिए कि भाई भारत सरकार इसरो या बार वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता और इंडिया के कोई कंपनी का उसके साथ में कोलैबोरेशन होता तो आप किस कंपनी को करना चाहते हैं? इसरो को ही करना चाहते कि नहीं करना चाहते? क्योंकि हमका हमारा जो विश्वास है गवर्नमेंट के ऊपर 100% होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट बात है कि हमारे पास में इंडिया शुरू होने के कुछ दिन बाद अजा माल आने वाला है और अजा माल के पास में वर्ल्ड के टॉप 50,000 प्रोडक्ट्स है। कितने? 50,000 प्रोडक्ट और वो भी वर्ल्ड के टॉप ब्रांड क्वालिटी, वर्ल्ड की टॉप ब्रांड क्वालिटी के प्रोडक्ट 50,000 से ज्यादा किसके पास में अवेलेबल है? अजा माल के पास में अवेलेबल है। और वो सारे के सारे प्रोडक्ट जब आप एटोमी में रजिस्टर करते हो तो आप इधर से भी ले सकते हो और उधर से भी ले सकते हो। ए टू जेड, अजा का मतलब क्या होता है? ए टू जेड। अभी ए टू जेड जहां पर आ गया तो सोच के देखो क्या होने वाला है। एक दिन यूं ही मैं सर्च कर रहा था तो लेडीज गारमेंट्स 20,000 वेराइटीज है अजा माल के पास में। कभी सोचे आपने 20,000? तो इतनी बल्क वेराइटीज में वर्ल्ड में किसी के पास में भी उतना अवेलेबल नहीं है जितना कि ये अजा माल के पास में अवेलेबल है। और ये सब किसके माध्यम से मिलेगा आपको? एटोमी के माध्यम से मिलेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारी चीज है कि भाई एटोमी के तरफ से आप कोई भी प्रोडक्ट यदि लेते हो हर प्रोडक्ट के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी, 100% मनी बैक गारंटी। और कंपनी ये बोल रही कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो और 25% यदि यूज करने वाला यदि प्रोडक्ट होगा, यूज करने वाला प्रोडक्ट 25% भी यूज कर लेते हो और आप बोलते हो कि सर आर मैडम आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, सो इन दैट केस आप वो प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न कर सकते हो। कंपनी आपका जो पैसा है टैक्स डिडक्शन के बाद में आपको क्या कर देगी? पूरा 100% रिटर्न कर देगी। या तो आप एक्सचेंज में दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसके बदले में दूसरा भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो। दैट इज दे आर गिविंग 100% मनी बैक गारंटी सभी प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है इनके पास में जीएसजीएस। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने जीएसजीएस का टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। जीएसजीएस मीन्स ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। अभी ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया है, हमारे बाजू में जापान है, यहाँ पर मलेशिया है, इधर कनाडा है, बहुत सारे कंट्री हैं। तो कंपनी क्या करती है कि हर कंट्री के पास में यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, होते कि नहीं होते? जैसे इंडिया में हल्दी बहुत सही ढंग से बनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो एटोमी ने क्या कर दिया कि इंडिया का हल्दी वो पूरा ले लेगी, कौन? एटोमी। वैसे बाकी के कंट्रियों में अलग अलग कंट्री के अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पर लाती है। मतलब जापान की कोई चीज ऐसी है जो हम नहीं खरीद सकते, अभी जापान में जाकर अपन खरीदी कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन एटोमी में ज्वाइन हो गए तो जापान का जो भी यूनिक प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, कनाडा का जो भी यूनिक प्रोडक्ट होगा यहाँ पर आ जाएगा, मलेशिया का कोई भी यूनिक होगा यहाँ आ जाएगा, इंडिया का जो भी होगा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ग्लोबली जिस जिस कंट्री में एटोमी एंटर करती है और वहां के जो जो भी यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहां पर आते हैं? एटोमी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल।
मतलब इंडिया का प्रोडक्ट चाइना जाएगा, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया आएगा, इंडिया का प्रोडक्ट मलेशिया जाएगा, मलेशिया का प्रोडक्ट इंडिया आएगा। तो ये ऐसे करने की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स का जो संख्या है डे टू डे बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट बात ये है कि हमारा जो ग्लोबली जो रिटर्न रेट है 0.012% है। कितना? 0.012%। और जिनको भी स्टडी करना है कि वर्ल्ड में जितनी भी नामी गामी कंपनीज है उनका जो प्रोडक्ट्स का रिटर्न रेट है वो 2+ में ही दिखाई देगा आपको। कितना देगा? 2+। लेकिन हमारा रिटर्न रेट कितना है? 0.012%। और कंपनी प्लान टू 0.00%। कंपनी का प्लानिंग क्या है कि हम जो आने वाले दिनों में और भी इसमें जो टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर लाएंगे और हम ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि किसी के भी हाथ में एक बार चला गया तो किसी के भी हाथ से वो रिटर्न प्रोडक्ट नहीं आएगा। मतलब इतने हाई टेक्नोलॉजी से वो बनाने के ऊपर उनका क्या है, फोकस है। और अभी हमारे पास में 380 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक, हेल्थ, फैशन, किचनवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, जितने भी रेंज है सारी की सारी रेंज आपको कहां पर मिलेंगी? आपको देखने को एटोमी के पास में मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा जो विजन है अनमैन्ड कंपनी, कभी सुना है आपने अनमैन्ड कंपनी? जितने भी लोग बिजनेस कर रहे होंगे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं लेकिन अनमैन्ड कंपनी कभी नाम नहीं सुने होंगे। तो एटोमी अनमैन्ड कंपनी इसलिए बनने जा रही है क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन नहीं चलता। जैसे कि इंडियन कंपनीज में मैनिपुलेशन चलता है, इधर की उधर ट्री करने में लग जाते हैं लोग, आपके पास में 1-2 लाख की ट्री होगी तो कहीं के कहीं आपको लगा देते, ऐसा काम यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ पर केवल सिस्टम वर्क करता, यहाँ पर कौन वर्क करता? केवल सिस्टम। आप बड़े हो छोटे हो कोई फर्क नहीं गिरता, आप जिस दिन एटोमी को साइन अप करेंगे उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग लगेगी, वो चाहे आपके पास में बड़ी से बड़ी कितनी भी टीम क्यों ना हो। तो अनमैन्ड कंपनी है, इसमें मैनुफैक्चरिंग का कोई काम नहीं चलता। और नेक्स्ट बात है कि दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, वो है हमारा सिंगल सर्वर। क्योंकि आज तक के वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनी काम करती है उनका हर कंट्री में अलग अलग सर्वर काम करता है, लेकिन एटोमी ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि कोरिया से निकला है और जिस जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री में एक ही सर्वर काम करता है। जब आप ज्वाइनिंग लगाने वाले पर्सन होंगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट में एक ज्वाइनिंग लग जाती है और उस 4 से 5 मिनट के अंदर में लगभग 500 से 600 ज्वाइनिंग लग जाती है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। तो अभी सोच के देखो कि उतने पीरियड के अंदर में सभी व्यक्तियों को उनका आईडी नंबर देना, उनका डन करना, उनका पासवर्ड देना, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, ये सोचने वाली बात है। और वो उन्होंने इस सिंगल सर्वर के माध्यम से करके रखे है क्योंकि इन्होंने इनका जो लक्ष्य रखा है पूरा वर्ल्ड रखा है और वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है 600 करोड़, कितने करोड़ है? 600 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है। तो उन्होंने ऐसा सर्वर बना के रखे कि 700 करोड़ लोग भी ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतना बड़ा पावर वाला सिस्टम इन्होंने बना के रखे। तो ये था प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनी का विजन कि आने वाले दिनों में आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के जो भी आप लेना चाहेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर एटोमी के माध्यम से मिलेगा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट।